रामनवमी का त्यौहार हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रामनवमी का इतिहास क्या है, आखिर क्यों मनाते हैं? नमस्कार, देश की गूंज न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सबको रामनवमी की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। रामनवमी का त्यौहार पिछले कई हजार सालों से मनाया जा रहा है। यह त्यौहार भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाकाव्य वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की तीन पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं। लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने को विचार प्रस्तुत किया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि ऋष्यभृंग से यज्ञ करवाया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष अपने हाथों में खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ऋष्यभृंग ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। ठीक 9 महीनों बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम को, जो भगवान विष्णु के सातवें अवतार थे, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों का संहार करने के लिए हुआ था और उन्होंने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, खरदूषण जैसे कई अर्थाइयों को और तारका जैसी राक्षसी का वध करके सर्वत्र धर्म और सत्य की पुनः स्थापना की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इसी अवतार में देवी अहिल्या का उद्धार भी किया। सुप्रसिद्ध कवि कबीर साहेब जी आदि राम की परिभाषा बताते हैं कि आदि राम वह अविनाशी परमात्मा है जो सबका सृजनहार व पालनहार है, जिसके एक इशारे पर धरती और आकाश काम करते हैं, जिसकी अस्तित्व में 33 कोटि देवी देवता नतमस्तक रहते हैं, जो पूर्ण मोक्षदायक व स्वयंभू हैं।